क्या बकरी सो रही है? हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। हम भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो आज हम सभी का प्लान था मार्केट जाने का, क्योंकि नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है, तो हमारी जो मन्नतें हैं ना उनको पूरा करना है जो छूट गया है, क्योंकि पितृपक्ष की वजह से कुछ भी नहीं हमारा हो पा रहा था। तो अभी क्या है कि लफड़ा हो गया है। लफड़ा ये हुआ है कि घर हमारा बन रहा है, तो उस घर में हाँ पाइप निकाल दिया का आई थी, तो अभी तो पानी चल रहा है समरसेबल से, तो हम जा रहे नीचे पानी भरने के लिए। पहले पानी थोड़ा सा भर के लेते हैं, फिर आप लोगों को पूरी बातें क्लियर बता देते हैं, क्योंकि नीचे से देवर जी हमको आवाज दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज घर का पूरा बर्तन एकदम से खाली हो चुका था, घर में बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो बस पानी भर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे अभी लफड़ा चल रहा है और इस काम को अभी रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो बाबा ससुर जी हैं ना, उन्होंने रोक लगा दिया, क्योंकि उनको पता नहीं क्या दिक्कत है। आगे वीडियो में तो दोस्तों पानी भर के आ गए हैं, करीब आधे घंटे लगे हैं पूरा पानी भरने में, टंकी में नीचे सारा कुछ। तो पानी अभी भर गया, छत पे आ चुके हैं वापस। जो बातें मुझे आप लोगों से बतानी थी वो मैंने सोचा बता देती हूँ। और जाते जाते थोड़ा सा व्यू मैंने नीचे का आप सभी को दिखा दिया था कि क्या कुछ हमारे घर में अभी चल रहा है। तो बात ये हुई है ना कि जो घर हमारा गिर गया है, जो पहले का हमारा रूम था, तो वो गिर गया है, तो उसको घिरवाया जा रहा है, क्योंकि एकदम से पूरा घर भंडा सराद हो गया है, तो उसको घिरवा के दीवार उठवाई जा रही है। तो हमारे जो बाबा ससुर हैं ना, वो आपत्ति लगा रहे हैं, क्योंकि जब से इसके पापा घर पे नहीं थे ना, ये करीब 7-8 महीने घर पे नहीं थे, तो उस बीच इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसमें की थोड़ी सी मैंने वीडियो आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर की थी। फिर वहाँ से ये आए, तो इनके बाबा के बीच में और इनके बीच में मतलब कोई विवाद नहीं, तो हाँ चुप रहो आप, तो कोई विवाद नहीं था। इन्होंने प्यार से बोला कि चलो जो भी मेरे बच्चों के साथ इन्होंने किया, पर अब ठीक से रहे, कुछ ना बोले। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, वहाँ से आने के बाद बहुत कुछ किया था, पुलिस वगैरह बुलवाया था, मतलब बहुत परपंच इन्होंने रस डाले थे। अपने पोते तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, जिसको जिन्होंने दूध पिलाया उसी को ये डस रहे थे। तो उस टाइम भी मैंने वीडियो ली थी, लेकिन वीडियो लिया था, लेकिन दोस्तों वीडियो डिलीट हो गई है। देखती हूँ अगर कहीं से मिल जाती है तो क्लिप में ऐड कर देती हूँ। आज फिर से ये वही चीज़ें कर रहे हैं, दोबारा से दोहरा रहे हैं। हमारा जो घर बन रहा है ना, उसमें ये लफड़ा पैदा कर रहे हैं। और वीडियो देखिए, मेरा बनाने का मकसद यही है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को भी उसी में लपेट रहे हैं, मेरे पति को भी उसी में लपेट रहे हैं। भाई बाप बेटे का समझौता है, आपस में करो, पोते को लपेटने की क्या ज़रूरत है। तो उसमें ये उनको भी लपेट रहे हैं, तो यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, कि जो कुछ भी अभी ये गए हैं चौकी पे, जाके चौकी पे बैठे हुए हैं, लिखवाने उखवाने अपना गए हैं कि बुलाने गए हैं। इन्होंने बोला भी कि भाई जहाँ बाप रहेगा तो वहाँ तो बेटा बोलेगा ही ना बोलेगा, क्योंकि आगे चल के वही चीज़ें, वही हिस्सा बेटी को भी तो मिलने वाली है, तो बेटा तो जाहिर सी बात है अपने बाप को ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगा अकेले कि जाओ जो करना है करो। बाप और बेटी का दोनों का अगर आपस में होता, मतलब मेरे ससुर और उनके पापा का, दोनों जन का आपस में अगर कोई बात होती तो किसी को बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन उनके बाबा ससुर के पीछे पीछे भी बहुत सारे लोग लगे हैं, जो मतलब अपना क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से साजिश कर रहे हैं। तो इसलिए भी जब बाप को कोई बोलता है तो बेटा जाहिर सी बात है कि बोलेगा ही बोलेगा। तो वही सारी चीज़ें अभी घर में चल रही हैं, तो
मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाती है दोस्तों, अगर घर में कोई पंगा होता है। रुक जाओ भाई, दम मार लिया कर। हाँ बेटा, आ रहे आ रहे आ रहे हैं। क्या करने वहाँ गई हो? पहले बताओ, हम नहीं पकड़ेंगे, जैसे गई हो वैसे आओ। क्या नहीं, क्या करेगा धरती? जो वीडियो बना था खोरी नो, मैं नहीं निकालूंगी, धरती में जगह कम पड़ी है, जैसे गई हो वैसे आओ, जैसे गई हो वैसे आओ। ओए भैया, हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? अरे तो अभी सुबह के बजे हुई है 7:07 बजे से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो अभी देखिए हमारे यहाँ बारिश हो रही है, धूप भी खिली हुई है और बारिश भी हो रही है, तो हमने कहा क्यों ना आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी से कर ली जाए। तो बस अभी अभी हमने नए ब्लॉग की शुरुआत कर ली और थोड़ा सा नज़ारा आप सभी को दिखा देते हैं कुछ ऐसे, कुछ बैक कैमरा करके। तो देखिए बाहर सूरज की किरणें जो है वो खिली पड़ी है, हमारे चबूतरे तक आई हुई है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो आज का मौसम जो है सुहाना अच्छा लग रहा है देखने में ना, अभी हम नहाए नहीं है, तो रात्रि का दिन चल रहा है तो सुबह नहा के ही चाय पानी होता है। तो अभी हम चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने जा, झाड़ू लगा रहे थे दोस्तों, झाड़ू लगा के फिर नहाएंगे फिर चाय पियेंगे। ये देखो तुम्हारा डॉगी मेरा पूरा झाड़ू काट डाला, सुनी उसको जाके समझाओ, समझाओ। गाड़ी अभी नहीं आई क्या? तो गाड़ी भी बच्चों की नहीं आई है, क्या? नहीं तो मैं सब उतार लाई। माही वो पीछे देख रही, माही देखो, माहिया, ए माहिया, मानसी आ रही, मानसी आ रही। देख दो कितने आए, मजा आ रहा है, मानसी भीगने की कोशिश, ये देखो दूसरे का कहना मान रही है, भीगने की कोशिश। नहा चुकी है, सब नहा धो चुकी हैं, बस हम ही बचे और इनके पापा जी। नहीं नहीं, अब नहीं जाएंगे इसको। क्यों नहीं जाओगी? बारिश है। छोड़ पाए पल्लू, छोड़ो थर खुल जाएगा ना, कुछ तो समझा करो। दो झाड़ू उठा बेटा, थोड़ा हम झाड़ू लगाते बाहर, ये कूड़ा इकट्ठा कर दिए यहाँ पे, न भीगे, जाने दे भी। पर ये तो अच्छा है कि यहाँ की जो मिट्टी थी ना, ये सब मिट्टी बैठ गई है, सारी मिट्टी। तो अभी तुम कहाँ जा रही थी, घूमत कैसे आओ? तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे बाबा ससुर जी ने पुलिस बुलवाया है, इनके जिंदा रहते हुए खुद ये अपने बच्चों का बंटवारा नहीं कर पाते हैं, इनके अंदर ये हुनर नहीं है, और अपनों को कैसे नीचा दिखाना है, कैसे गालियां देनी है, वो इनके अंदर पूरी हुनर है। और वो बड़े ही होते हैं जो अपने बच्चों के बीच में फूट डालते हैं, लड़ाई करवाते हैं, मारपीट करवाते हैं, वो बड़े ही होते हैं, और इन्हीं की वजह से घर में कभी जो है वो मिलके बच्चे नहीं रह पाते हैं। अब ये खुद जिंदगी पता नहीं कब से ये बंटवारा कर रहे हैं, अभी तक ये अपने दो बेटे का बंटवारा नहीं कर पाए, सिर्फ दो बेटे हैं इनके, उतने में छोटी छोटी बातों पे भी इनको पुलिस बुलाने की बिल्कुल आदत पड़ गई है। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी समझदारी से, उनकी सूझबूझ से उनके अपने बच्चों में हमेशा रिश्ता बना रहता है, प्यार बना रहता है, मिलजुल कर सारी चीज़ों को समझते हैं, आपस में बांटते हैं। पर ये हमारे घर के ऐसे बुजुर्ग हैं ना जो अपने बच्चों के बीच में ही आग लगा रहे हैं, आग पैदा कर रहे हैं, खुद के औलादों को, खुद के बच्चों को, दोनों बच्चों को मतलब अलग अलग निगाहों से देखा जा रहा है, अपने ही अपनों के बीच में ही दरारें पैदा कर रहे हैं। इनका तो अभी उम्र ही नहीं रह गई है, ये आगे के बारे में सोच ही नहीं रहे, ये खुदगर्ज हैं, खुद के बारे में अभी सोच रहे हैं कि एक को मिला लिया, चलो मेरा ये करेगा, मेरा वो करेगा, पर दूसरों को ये पता नहीं क्यों अलग निगाह से देख रहे हैं, खुद के ही बच्चों को। मतलब दुनिया में ऐसे भी लोग पड़े हैं जो खुद के घर को एकदम आग लगाने पे तुले हुए हैं।
अभी देखिए घर में काम लग गया है। पहले तो मतलब कई बार हमारे घर में हो चुका है बंटवारा, जब से हमारी शादी हुई है ना कम से कम 5-6 बार तो हम देख ही चुके हैं, 5-6 बार हो चुका है, कभी खेत के लिए, कभी घर के लिए, कभी कहीं के लिए, तो कभी कहीं के लिए, कभी ये खुद लड़ते रहते अपने हिस्से के लिए जीवन भर। तो इनका ये हाल है। दोस्तों अभी पुलिस तो जा चुकी है पर घर में हमारा जो इससे बाट का हो रहा था वो लोगों ने करवा दिया है। चीजें एकदम क्लियर हो रही थी उसी जगह पे, चीजें हो रही थी जहां पे होनी चाहिए, जैसे कि पहले बंटवारा हुआ था। पर इनको लोगों ने इतना भर दिया है, इतना भर दिया है कि इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है और किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इनको करना है तो सिर्फ दो नजर की बातें करना है, दो तरफा बातें, मतलब एक तरफ झुक जाना है और एक को बर्बाद कर देना है, घर गृहस्थी, बच्चे, कुछ भी हो जाए, मतलब उनको हम पूरी तरह से, ये हम लोगों को तो एकदम बर्बाद करने पे ही तुल गए हैं। इनके दिमाग में इतना लोगों ने कीड़ा भर दिया है कि कीड़ा निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं कौन सा कीड़ा इनके अंदर भर गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो चीजें तो जहाँ थी वैसे हुई, वह फर्क थोड़ा सा था उनका, हम वो तो हमारी तरफ थोड़ा सा थे और हम उनकी तरफ, जो चीजें पहले मैंने जीजी थी, जो बुजुर्गों ने कर दिया था वही चीजें हुई थी, पर फिर नए सिरे से वही चीजें हुई। तो अभी ये देखिए ये हो रहा था सुबह का टाइम और बस यहाँ पे सब्जियां बन रही थी और आजकल वीडियो कोई मतलब वीडियो जैसी बनाना चाह रही हो नहीं बन रही है क्योंकि कोई ना कोई चीजें हो ही रही है, तो फिर मन भी नहीं लग रहा है, चीजें बिगड़ रही हैं घर में, कोई ना कोई चीजें क्रिएट हो जा रही है तो फिर नहीं हो पाती है चीजें, मन ही नहीं लगता है। तो बस यहाँ सुबह के लिए खाना बना रहे थे, सब्जी बनेगी भिंडी की और बगैर लहसुन की बनेगी प्याज की। मम्मी क्या हुआ, किस लिए सो रही हो? मम्मी क्या हुआ, किस लिए सो रही हो? तबीयत ठीक नहीं है बेटा। किस लिए, क्या हुआ, क्या हुआ? पेट दर्द कर रहा है। दोस्तों तबीयत ठीक नहीं हमारी, इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, कोई रेसिपी भी नहीं बना पाए, कोई वीडियो ढंग की नहीं बन पा रही है, पूरा नवरात्रि ऐसे ही निकल गया है, कोई रेसिपी भी नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं। तबीयत ठीक नहीं है, मन ही नहीं लग रहा है किसी काम में, एक तो तबीयत ठीक है, कोई ना कोई घरेलू टेंशन, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई एक नई बातें हो जाती है जिससे बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है काम करने में। अभी कब से नीचे ही थे, लाइट नहीं थी, आके यहीं पे लेट गए हैं, मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ में।